फेस्टो डे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहवेज हुसैन जैदी। सहारनपुर रेलवे के खान पान ठेकेदारों ने आरपीएफ पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान सभी खान पान वेंडरों ने अपनी दुकानें बंद रखी। आरपीएफ पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों ने कहा कि आरपीएफ मनमानी पैसा न देने पर वेंडरों में उनके लड़कों की पिटाई कर रही है और उन्हें जेल भेज रही है। पेश है एक रिपोर्ट। सहारनपुर रेलवे के ठेकेदारों का कहना है कि रेलवे पुलिस की बढ़ती हुई ज्यादतियों से दुखी होकर उन्होंने हड़ताल करने का निर्णय लिया। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने रेलवे मंडल प्रबंधन व वाणिज्य विभाग से जन सूचना अधिकार में मांगी गई सूचना में पूछा कि रेलवे द्वारा अधिकृत स्टॉल ट्राली को आरपीएफ द्वारा वेंडर का लाइसेंस व आई कार्ड, नेम प्लेट, आई कार्ड और ट्रॉली व स्टॉल पर क्या बेचते हैं की अनुमति चेक करने और आरपीएफ द्वारा चेक करने और किसके आदेश पर चेक कर सकते हैं, तो वाणिज्य विभाग दिल्ली ने जवाब में बताया कि आरपीएफ स्टाफ को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। अब रेलवे वेंडरों का गुस्सा इसी बात को लेकर है और इसी कारण ये लोग हड़ताल पर डट गए हैं। और अब ये सवाल उठता है कि आरपीएफ द्वारा ये जो उघाई हो रही थी या ये न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताजा खबरें मिलती रहेगी।